फाइल लोकेशन में यहाँ पर प्रॉफिट स्लिप आ गई। फाइल में जाके हमने प्रिंट सेटअप के ऊपर क्लिक किया। प्रिंट सेटअप में यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज में चले गए, यूज़र डिफ़ॉल्ट पेपर। यहाँ पर जो भी हमने यानी सेंटीमीटर में या इंचिस में जो हमने पेपर लिखना होगा, यहाँ पर हमने इसका पेपर का नाम लिख दें, हमने पीपी लिख दिया। और ये सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख दें, अगर इंच में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंच में लिख देंगे। उसके बाद हमने पी पेपर को जो है यूँ करके हमने सेव कर देना है। ये पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको ओके करना है। अब प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस के ऊपर जाकर हमने यहाँ पे पी पेपर को सिलेक्ट करना है, ओके करना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद फिर हमने फाइल लोकेशन में पेज सेटअप के ऊपर जाना है। फाइल में जाके प्रिंटर सेटअप के ऊपर जाना है और यहाँ पर हमने ये पी को सेलेक्ट करना है। पी को सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर देना है। तो ये पेपर का जो साइज़ है वो हमारा सेव हो जाएगा। तो इस टाइम जो पेपर का साइज़ सेलेक्ट हुआ हुआ है वो सेलेक्ट हुआ हुआ है, ओ को हमने ओके कर देंगे और ओके सेव कर देंगे। और यहाँ पर हमने पासवर्ड देख लेते हैं कि कोई गाड़ी हुई हुई है, उसकी हमने दोबारा पर्ची निकाल लेते हैं। 198 ये व्हीकल नंबर है बीबी, उसका हमने पासवर्ड कर दिया बीबी करके। इसका अगर हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट जो है ये पूरे पूरे पेपर के ऊपर यहाँ से आ रहा है और ये सही निकल गया। और अगर हमने नेट वेट का प्रिंट निकालते हैं, इसका सीरियल नंबर क्या था, सीरियल नंबर इसका 211 हमने नीचे रख के प्रिंट स्लिप ये पेपर का पूरा फाइल निकाल रहा है और ये पेपर पूरा ये निकाल रहा है। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।